तो सबसे पहले एक बार हम लोग ब्लड ग्रुप का देख लेते हैं। यहाँ पर जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा जो ब्लड ग्रुप पॉसिबल है वो आप लोग जब देखोगे बेटा, तो यहाँ पर जो होगा कि आप लोगों का ब्लड ग्रुप जो पॉसिबल था वो चार पॉसिबल थे। ये चीज आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में ही कि यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप जो है वो चार पॉसिबल थे। कौन कौन से जो पॉसिबिलिटीज थी जो वहां पर आप लोग सिंपल देखा गया था, तो पॉसिबल जो था ब्लड ग्रुप वो ए पॉसिबल था जो आपको यहाँ पर दिया गया है। सिंपल जब लीजिएगा तो आपका जो है वो ए पॉसिबल है, फर्स्ट हम लोगों ने ले लिया ब्लड ग्रुप। सेकेंड जो पॉसिबल था वो आपको बी पॉसिबल था। थर्ड जब देखेंगे तो ब्लड ग्रुप जो था वो आपका ए बी पॉसिबल था। फोर्थ जब देखेंगे तो ब्लड ग्रुप जो पॉसिबल है वो आपको पॉसिबल था। यानी कि यहाँ पर जो सिंपल आप लोग लिखोगे भी तो आपको जो है वो इससे पहले वाले लेक्चर में बताया गया था कि फिनोटाइप जो होंगे वो आपको चार होगा, यानी कि आप लोगों का मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हो गया। इसी में जब जेनेटिक मेकअप देखोगे जिसको आप लोग जीनोटाइप बोलते थे वो आपका जो होगा वो सिक्स पॉसिबल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप सिस्टम में जब आप लोग बात करोगे तो कितने फिनोटाइप पॉसिबल है और कितने जीनोटाइप पॉसिबल है। तो फिनोटाइप फोर पॉसिबल है और जीनोटाइप सिक्स पॉसिबल है। ये आपको क्लियर रखना है। अगर क्वेश्चन आता है तो प्रीवियस इयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि कितने पॉसिबल है, तो ये आंसर आपको निकल जाएगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है बेटा कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है और आपका प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। जब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो अगर हम लोग जो फर्स्ट कंडीशन ले रहे थे जिसमें ब्लड ग्रुप अगर किसी भी एक्स वाई का ए है तो वहां पर जो आपको पॉसिबल है जीनोटाइप वो फर्स्ट है कि आई ए और आई ए तब भी ब्लड ग्रुप जो होगा उसका ए होगा। सेकेंड जो पॉसिबल है वो आपका आई ए और आई ओ होगा। इसमें जब आप लोग सिंपल देखोगे तो अब यहां पर जब सिंपल देखोगे तो सेकेंड वाले कंडीशन में देखिएगा तो आपको बताया गया था कि ओ जो होता है वो रिसेसिव होता है, तो यहां पर ए जो है वो एक्सप्रेस होगा और ब्लड ग्रुप आपका ए ही होगा। इसी में जब एंटीजन देखोगे तो आरबीसी पर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा में एंटीबॉडी आपका बी प्रेजेंट होगा। ब्लड ग्रुप बी में भी सेम चीज जब देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा कि आपको जो जेनेटिक मेकअप दिखेगा वो आई बी और आई बी ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, आई बी और आई ओ तो भी आपको ब्लड ग्रुप बी होगा। यहाँ पर एंटीजन कौन सा पॉसिबल है तो बी, एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में होगा आपका ए होगा। इसको आप लोग क्लियर माइंड में आपको रखना है। ब्लड ग्रुप जब ए बी का देखोगे तो यहाँ पर आपको कोर डोमिनेंस का कंडीशन था जो आप लोगों ने ब्लड ग्रुप जब निकाला था तो वहां पर देखा था। अब यहाँ पर जो है कि जो आपका जेनेटिक मेकअप होगा वो आई ए और आई बी होगा और ब्लड ग्रुप यहाँ पर आपको ए बी देखने को मिलेगा। तो आरबीसी पर जो एंटीजन होगा बेटा वो ए बी होगा और प्लाज्मा में यहाँ पर जो है आपको एंटीबॉडी कोई भी नहीं दिखेगा, तो एंटीबॉडी अब्सेंट होगा। ये दिमाग में रखना है। ये थर्ड कंडीशन है जब आपको किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी होता है। अब यहाँ पर जब नेक्स्ट देखोगे तो ब्लड ग्रुप ओ के साथ क्या हो सकता है, ओ का जब कंडीशन देखिएगा तो यहाँ पर दोनों जो होते हैं वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कोई भी यहाँ पर डोमिनेंट नहीं होगा। तो आई ओ और आई ओ जब होगा तो इंसान का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ हो जाएगा। तो आरबीसी पर ना तो एंटीजन आपको ए देखने को मिलेगा और ना ही एंटीजन आपको बी देखने को मिलेगा, बट प्लाज्मा में क्या चीज होगा आपको ए और बी दोनों एंटीबॉडी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और एक चीज याद रखिएगा कि एंटीजन को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे और एंटीबॉडी को आप लोग जो डिनोट करोगे वो स्मॉल लेटर से करोगे। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट जो है कि आपका एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन, यानी कि मान लेते हैं बेटा कि आपका अगर ब्लड को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, किसी को आपको ब्लड देना है या किसी से आपको लेना है, तो आज के डेट में मेडिकल फैसिलिटी इतनी डेवलप हो चुकी है कि जिस चीज का रिक्वायरमेंट होता है वही चीज जो है वो दी जाती है।
सपोज करो कि अगर किसी इंसान में अगर प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट है तो डॉक्टर सिर्फ उसको प्लेटलेट्स प्रोवाइड करते हैं, उसी में अगर आरबीसी की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ आरबीसी उसको दिया जाता है। तो ये जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी में डेवलप हो चुका है, बट जो हम लोग देखते हैं एज ए स्टूडेंट देख रहे हो, क्योंकि आप भी जब मेडिकल करोगे तब आप लोग ऐसा करोगे, ये आपको दिमाग में रखना है। लेकिन जब नॉर्मल बात करेंगे कि हम लोग इन चीजों को हटा देते हैं कि आप लोग प्लाज्मा या प्लेटलेट्स या आरबीसी सेपरेट करके किसी में आप लोग डोनेट कर सकते हो, ये कंडीशन होता है एडवांस टेक्नोलॉजी में। बट हम लोग यहाँ पर ये देखना है कि अगर ऐसा ना करे, मतलब कि प्लेटलेट्स देना सिर्फ है तो प्लेटलेट सिर्फ ना दिया जाए, अगर सिर्फ आरबीसी है ना दिया जाए, तो वहां पर आपको जो है क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये जनरल प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आज के डेट में जो है आप लोग डॉक्टर से जब पूछोगे, डॉक्टर्स क्लियर बोलेंगे कि ये चीज आपको नहीं होगी, क्योंकि हमको जिस चीज की आपकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ आपको वही दिया जाएगा। लेकिन अगर जनरल हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे कि यहाँ पर अगर डोनर ए है और रेसिपियंट ओ है, मतलब कि यहाँ पर आपको डोनर और रेसिपियंट, ये जो आपको दिखाया गया ये जो फर्स्ट है कि आपका रेसिपियंट जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि एंटीजन नहीं होता है, ना यहाँ पर एंटीजन ए होगा और ना ही एंटीजन बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी आपको यहाँ पर बी भी देखने को मिलेगा प्लाज्मा में। तो यहाँ पर जब देखोगे तो ये जो है हमारे आरबीसी है। अब यहाँ पर जब देखोगे कि आरबीसी के ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिखाया गया, मतलब कि एंटीजन नहीं है, प्लाज्मा में देखोगे तो एंटीबॉडी बी भी है और एंटीबॉडी ए भी है, दोनों है। अब यहाँ पर डोनर में जब आपको ब्लड दिया जाएगा, जब आपके जब ब्लड को जो है वो आपको जाओगे किसी को देने, तब क्या होगा कि जो आरबीसी इंटर करेगा वहां पे देखोगे कि आरबीसी के ऊपर क्योंकि डोनर ए है तो वहां पर एंटीजन आपको ए देखने को मिलेगा। तो ये जो देखिएगा तो ये जो आपका हो गया कि आरबीसी के ऊपर आपको एंटीजन ए है। अब यहाँ पर क्या चीज होगा कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए का जब रिएक्शन होगा, ये जब देखोगे तो एंटीजन ए जब रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी ए से, तब क्या चीज होगा कि कुछ जो आरबीसी है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये चीज यहाँ पर दिया गया कि फ्यू आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे क्या चीज हो सकता है, तो यहाँ पर आपको माइल्ड एनीमिया, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होगा, माइल्ड होगा, और माइल्ड जॉन्डिस, ये आपको दोनों देखने को मिल सकता है जब आपका डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप अलग अलग होगा, तब आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सेकेंड जो देखेंगे तो डोनर को ओ कर दिया, रेसिपियंट को ए कर दिया। ए जो है वो सिंपल जब देखिएगा तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए देखने को मिलेगा और प्लाज्मा जो होगा वहां पर एंटीबॉडी बी होगा। ये दोनों आपको दिया गया कि ये आपका एंटीजन है आरबीसी के ऊपर और एंटीबॉडी जो है बी आपका जो है वो आपका प्लाज्मा में। अब यहाँ पर जब सिंपल देखोगे बेटा तो यहाँ पर फिर से रिएक्शन होगा, एंटी जो इंटर करेगा तो यहाँ पर एंटी जो है वो बॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा। तो यहाँ पर जब एंटीबॉडी ए और एंटीजन, यहाँ पर सिंपल आपका जो होगा एक चीज है कि एंटीबॉडी यहाँ पर जो है वो स्मॉल से डिनोट कीजिएगा, स्मॉल बी से। अब यहाँ पर फिर से जब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा तो यहाँ पर माइल्डर रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा बट बहुत ही आपको जो चांस है कि प्रॉब्लम कॉज करेगा उसका चांस बहुत ही कम है, ये चीज आपको याद रखना है। तो माइल्डर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर सीवियर आपको ज्यादा नहीं होता है, ये चीज जो है वो कल के लास्ट में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। यहाँ तक अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो बेटा एक बार पूछ लो, अगर है तो कुणाल ने जैसे पूछा, अगर कुणाल क्लियर है बेटा तो यस और नो बता दीजिएगा, बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पर पूछो। और फिर आज जो बताया जाएगा कि यहाँ पर किस कौन सा जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ये आप लोगों ने जनरल सुना होगा। ओके, अब यहाँ पर जो देखोगे तो सिंपल एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर जो होता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है।
ये जो है बेटा वो आप लोग नोट में करके यहाँ पर लिख लीजिएगा कहीं भी साइड में कॉपी में, कि यहाँ पर जो है कि आपका जो यूनिवर्सल डोनर की बात करोगे, यूनिवर्सल डोनर, और यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो आप लोगों ने सुना होगा कि वो जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो आपके यूनिवर्सल डोनर होते हैं, उसमें भी जब स्पेसिफिक करोगे तो यहाँ पर ओ नेगेटिव जो होते हैं वो आपके यूनिवर्सल डोनर होते हैं। अब यहाँ पर जब देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिटरमाइन करते हैं, कि जो आपका आरबीसी होता है वहां पर आपको एंटीजन ए दिख सकता है, एंटीजन बी दिख सकता है, तो यहाँ पर ए बी तो होगा ही, उसके साथ साथ एक और आपको जो दिखेगा वो होता है आरएच फैक्टर। आरएच नाम क्यों दिया गया है वो भी आपको टाइम के साथ क्लियर होगा। तो अगर यहाँ पर आरएच अगर प्रेजेंट है तो आप यहाँ पर बोलते हो कि यहाँ पर आपका जो होगा कि आरएच प्रेजेंट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहीं पर जब आरएच आपका अब्सेंट है तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा कि ब्लड ग्रुप आपका नेगेटिव है। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो डिटरमाइन हम लोग करते हैं वो जो होता है वो बेसिक जो होगा वो आपका कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट होता है आपको सिंपल सा कि आरएच प्रेजेंट है या आपका अब्सेंट है। इसी में जब देखोगे तो आपका जो होता है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो बोल रहे हो कि आरएच प्रेजेंट है या अब्सेंट है, एक चीज है कुणाल उसके भी बात आते हैं, तो यहाँ पर जब देखोगे कि जो आपका ओ नेगेटिव है, ये तीन कंडीशन हो सकती है आरबीसी पर, ए बी हो सकता है, बी बी और आर एच बी, लेकिन ओ वाले केस में क्या चीज होता है कि ना तो यहाँ पर एंटीजन ए होता है, ना ही यहाँ पर एंटीजन बी होता है, और ना ही यहाँ पर आर एच होता है, तो मतलब कि ये तीनों जो होते हैं वो आपके अब्सेंट हो जाते हैं। ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओ नेगेटिव वाले कंडीशन में, कि यहाँ पर जो होगा आरबीसी पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इस कारण से इसको जो बोलते हो वो आप बोला जाता है कि ये जो है वो आपका यूनिवर्सल जो है वो डोनर है। इसी में जब नेक्स्ट देखोगे कि आपका जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है वो क्या है, जब यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करोगे तो वो जो आपको देखने को मिलेगा बेटा कि आपका जो होता है वो ए बी पॉजिटिव होता है। अब ए बी पॉजिटिव की बात करोगे तो यहाँ पर जो आरबीसी होगा वहां पर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आपको जो देखने को मिलेगा वो एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, और तीसरा यहाँ पर आर एच फैक्टर भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर आप सिंपल लिखोगे कि एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन बी प्रेजेंट होगा, और प्लस उसी के साथ जो है आपका आरएच भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो सिंपल बोलोगे तो आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट के साथ केस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बोलते हो तो ये आपको क्लियर रखना है कि वो जो आपका डिपेंड करेगा कि आरएच प्रेजेंट है या अब्सेंट है उसके ऊपर जब बात करोगे। और ये जो आरएच लिखते हो ये डेवलप जो हुआ था, डिस्कवर जो हुआ था वो रिसर्च मंकी में हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग आरएच बोला जाता है। ये चीज आप लोग आएगा आगे लेक्चर में देखोगे भी। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा कि आपका जो होता है इनकॉम्पेबिलिटी की बात करते हैं, अगर यहाँ पर अगर क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकता है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको जो देखने को मिलेगा कि ए बी ओ इनकॉम्पेबिलिटी। तो यहाँ पर जो सिंपल आप लोग टॉपिक डालोगे वो डालिएगा ए बी ओ इनकॉम्पेबिलिटी, क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकता है और कब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक डालिएगा ए बी ओ इनकॉम्पेबिलिटी, कब प्रॉब्लम हो सकता है वो आपका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो होगा कि आपका जो है वो लिखिएगा ए बी ओ इनकॉम्पेबिलिटी। अब बेटा यहाँ पर एक चीज याद रखना कि प्रॉब्लम दो जगह आपको देखने को मिलेगी, कहाँ कहाँ पे होता है, जब हम किसी को ब्लड डोनेट करने जाते हैं, यानी कि जब बोला जाए तो ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जब ब्लड डोनेट करते हो, मान लो कि आपको किसी को ब्लड डोनेट करना है
अगर जिसको लेना है उसका ब्लड ग्रुप अलग है, आपका ब्लड ग्रुप अलग है, दोनों का ब्लड ग्रुप जब अलग होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। सेम ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि एडवांस टेक्नोलॉजी में आप सेपरेट करके हर चीज को आप लोग डोनेट कर सकते हो, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा वो आप लोग एमबीबीएस नहीं पढ़ रहे हो कि आपको डायरेक्ट पेशेंट को जो है वो आपको देना है कि नहीं, प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट है प्लेटलेट्स दे देंगे, आप वो चीज नहीं कर रहे हो। वो चीज आप लोग एमबीबीएस में जब जाओगे तो आपको पढ़ाई जाएगी कि ऐसे आप लोग करोगे तो ये ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन हम लोग जब 11th 12th में जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये चीज क्लियर है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जो इसमें आप लोग जब फर्स्ट देखोगे कि प्रॉब्लम कब होगा तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर याद रखना है कि आपको जो देखने को मिलेगा प्रॉब्लम वो होगा ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, यानी कि अगर ब्लड डोनेशन के लिए हम लोग गए तो वहां पर अगर अलग ब्लड ग्रुप है तब जाकर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सेकेंड कब होता है बेटा, तो सेकेंड की जब बात करोगे तो मदर और फीटस, आप लोग मदर और फीटस की बात करोगे तो मान लीजिए कि ये आपका जो होता है वो मदर बॉडी ले लीजिए, यहाँ पर जो देखोगे तो आपका जो डेवलपमेंट होता है वो आपका एक फीटस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये आपका जो सिंपल होगा एक फीटस है जो मदर में डेवलप कर रहा है, मदर के वॉर्म में डेवलप करता है, फ्रॉम 10th और 12th में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दो चीज आपको देखने को मिलेगी, एक जो होगा वो आपको प्लेसेंटा, आप लोगों ने पढ़ा था तो प्लेसेंटा से जो होता है वो मदर और फीटस जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाता है। ये आपको सिंपल जो ब्लैक कलर का है ये जब बोलोगे तो ये आपका मैटरनल प्लेसेंटा है, यानी कि मदर साइड से है। और सेकेंड जो आप लोग देखोगे ब्लू कलर से जो बनाया गया है ये जो है वो फीटल प्लेसेंटा है। ये चीज आपको कनेक्शन जो है वो मदर और फीटस में देखने को मिलेगा, बिल्कुल क्लियर आपको ये रखना है। तो जब बेटा मदर और फीटस में अगर ब्लड ग्रुप अलग अलग है तब जाकर भी वहां पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो सिंपल जो सेकेंड हमारा होगा कि वो जो है वो कब प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है तो वो होगा ड्यूरिंग ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ मदर्स ब्लड विथ फीटल ब्लड, यानी कि जब फीटल ब्लड और मदर ब्लड जब मिक्स होंगे तब भी जो है आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर ये दो कंडीशन में जो है कि आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, रिएक्शन हो सकता है, और रिएक्शन जब होगा तो वहां पर वो आपको जो कॉज करेगा वो अनिमिया या आपको कॉज करेगा जॉन्डिस, ये दो चीजें वो कॉज कर सकता है। बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता है, ये चीज माइंड में रखना है, माइल्ड रिएक्शन होता है तो वहां पर आपको जो दिखेगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे एबीओ इनकॉम्पेबिलिटी में, फर्स्ट ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, और सेकेंड जो होगा कि जब आपको मदर्स ब्लड विद फीटल ब्लड मिक्स होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल जब आते हो तो फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि जब आपको ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पर आप लोग सिंपल जो करोगे वो आपका फर्स्ट हम लोग करेंगे, फर्स्ट जो होगा वो आप लोग लिखोगे यहाँ पर जो टॉपिक हो जाएगा कि ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, जब ट्रांसफ्यूजन होगा ब्लड का तब आपको क्या देखने को मिल सकता है। ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं, पहला कंडीशन देखते हैं जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें जो लेना है बेटा वो कंडीशंस लेने। अब यहाँ पर जो पहला है वो ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन है कि जब ट्रांसफ्यूजन होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट जब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि डोनर जो हमारा है जो ब्लड को डोनेट करने गया है उसका ब्लड ग्रुप बी है,
है ना, एलील के क्या क्या चांसेस हैं, तो ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पर या तो आई बी होगा या आई बी होगा, तब भी ब्लड ग्रुप आपका बी होगा। यहाँ पर जब देखोगे तो आई बी होगा और आई ओ होगा, तब भी आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। ये कंडीशन देखने को मिलेगा फर्स्ट डोनर बी। सेकेंड जो इसी में देखते हैं कि रेसिपियंट जो है, जो ब्लड जिसको देने जा रहे हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो रेसिपियंट का ब्लड ग्रुप ओ है। एलील क्या पॉसिबल हो सकता है, तो एलील जो होगा वो आई ओ और आई ओ ही होगा। तब जाकर यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो आपको देखने को मिलेगा कि ब्लड ग्रुप आपका ओ है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है। अब ये जो कंडीशन है जो हम लोगों ने लास्ट में कल भी देखा था वही चीज है। ये ले लेते हैं कि आपका रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट की जब बात करोगे तो यहाँ पर ओ वाला रेसिपिएंट है, तो ये आरबीसी हो गया, और आपका प्लाज्मा, तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन नो होगा, कोई नहीं होगा, तो यहाँ पर सिंपल जो लिखोगे कि यहाँ पर नो एंटीजन, नो एंटीजन, ना तो यहाँ पर एंटीजन ए होगा और ना ही एंटीजन आपका बी होगा, बट यहाँ पर एंटीबॉडी दोनों मिलेंगे, मतलब कि एंटीबॉडी जो है वो ए भी होगा और यहीं पर आपको जो दिखेगा वो एंटीबॉडी आपको बी भी दिखेगा। दोनों एंटीबॉडी होंगे ओ वाले में, एंटीजन में ए होगा और ना ही आपका बी होगा। जब ब्लड दे रहे हैं, यानी कि जब आप बात करोगे कि जब आपको ब्लड देना है, तो यहाँ पर जो देने वाले का है कि आरबीसी के ऊपर आपको जो दिखेगा कि यहाँ पर जो ब्लड होगा आरबीसी, वहां पर जो आप लोग देखोगे तो वो जो देखने को मिलेगा कि एंटीजन आपको बी होगा, और प्लाज्मा जो होगा डोनर का, प्लाज्मा में आपको जो दिखेगा कि यहाँ पर जो है वो एंटीबॉडी आपका बी है, तो एंटीजन यहाँ पर बी हो, सॉरी एंटीबॉडी आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, गलती से निकल गया है। तो एंटीबॉडी आपका ए होगा, एंटीजन आपका बी होगा, बट दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो, आरबीसी यहाँ पर इंटर कर गया, आरबीसी के ऊपर बी, प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या चीज हो गया, तो एंटी जो है वो आपका स्मॉल ए हो गया। अब फिर से जो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए में जो है आपको रिएक्शंस होंगे, इसका जो इफेक्ट है वो रेसिपिएंट में होगा, पार्थ बेटा, डोनर से कोई लेना देना नहीं है, रेसिपिएंट को आप लोग दे रहे हो तो रेसिपिएंट में होगा। तो यहाँ पर जब देखोगे तो क्या हो सकता है, जो रिएक्शन होगा वो आपको जो देखोगे एंटीबॉडी यहाँ पर बी है और एंटीजन ए भी है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। जब रिएक्ट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट अगर देखोगे तो एक चीज याद रखोगे कि यहाँ पर एंटीजन जो है वो बी है और यहीं पर आपको जो दिखेगा वो एंटीबॉडी बी भी दिखेगा। तो दोनों में जब आपका रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन होगा तो एंटीजन बी वाला जो है वो आपका डोनर है और आपका एंटीबॉडी जो स्मॉल बी है ये आपका रेसिपिएंट है। अब यहाँ पर जब दोनों में देखेंगे, जब रिएक्शन होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो यहाँ पर आरबीसी जो है वो फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आरबीसी जो सिंपल लिखोगे गेट्स डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पर आपका जो आरबीसी है वो आपका डिस्ट्रॉय हो गया, तो आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होगा तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा कि इंक्रीज होगा किसमें, तो प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो यहाँ पर सिंपल जब लिखेंगे तो इंक्रीज का सिंबल है, किसमें इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन बिलीरुबिन एंड आपका जो होगा सेकेंड वो आपको बिलीवर्डिन। अब यहां पर जब देखोगे बेटा, तब जो आपका आरबीसी डिस्ट्रॉय हुआ तो उसका रिजल्ट क्या चीज देखने को मिलेगा, तो उसका जब रिजल्ट आप लोग देखोगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको जो देखने को मिले वो अनेमिया हो सकता है, और यहीं पर जब आपको बिलीबर्डिन और बिलीरुबिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जॉन्डिस। तो ये दो चीजें जो है वो हो सकती है। जब आपको ब्लड ग्रुप डोनर और रेसिपिएंट अलग होगा तो वहां पर जब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा तब जाकर वहां पर हो सकता है आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होगा तो अनेमिया होगा। जब आपका बिलीरुबिन और बिलीबॉडिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में आपको जो दिखेगा कि वहां पर जॉन्डिस हो रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको देखने को मिल सकती है लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता है। हमें जो ट्राई करना चाहिए वो सेम ब्लड ग्रुप हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो टेक्नोलॉजी एडवांस कर चुकी है, आप लोग सेपरेट करके वहां पर दे सकते हो। ये तो पहला कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन इसी में देखते हैं कि जब आपका बेटा डोनर आपका जो हो जाए वो आपको ओ हो जाए, ठीक है, डोनर का कंडीशन लेते हैं वो ओ है, और इसी में जो सेकेंड लेते हैं वो रेसिपिएंट ले लेते हैं आपका जो है, रेसिपिएंट जो है वो आपका बी हो जाए, ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर डोनर को ले लेते हैं कि ये जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव के बाद देखोगे तो यहाँ पर जो आरएच नेगेटिव बोल सकते हो, मतलब कि आरएच फैक्टर जो है वो आपको अब्सेंट है। तो नेगेटिव लगाने का मतलब सिंपल है कि आपका जो होता है वो आपको सिंपल जो है ये यहाँ पर आपको दिखेगा कि आरएच जो है वो अब्सेंट है, तभी जो है यहाँ पर नेगेटिव लगाते हैं, ठीक, बी है। अब यहाँ पर फिर से कंडीशन ले लो कि यहाँ पर रेसिपिएंट का कंडीशन क्या है। जब ये देखोगे कि रेसिपिएंट का कंडीशन क्या है तो आरबीसी में देखते हैं कि आरबीसी के ऊपर क्या मिलेगा। आरबीसी के ऊपर आपको क्लियर है कि यहाँ पर जो देखने को मिलेगा कि ये जो है वो आपको एंटीजन बी है। प्लाज्मा में क्या चीज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो है वो एंटीबॉडी जो देखने को मिलेगा वो आपको स्मॉल ए देखने को मिलेगा, ये चीज आपको होगा। अब फिर से जब देखोगे, जब ब्लड देने वाला है, ब्लड जो देने वाला है वो ओ नेगेटिव है, तो यहाँ पर जब देखोगे सिंपल तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, तो सिंपल यहाँ पर लिखोगे नो एंटीजन, ना तो ए है ना बी है ना ही आरएच है, तीनों के तीनों जो है यहाँ पर आपका अब्सेंट हो जाएगा। प्लाज्मा में क्या चीज होगा, प्लाज्मा की जब बात करोगे तो प्लाज्मा में जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी आपका बी भी होगा, ये दोनों होंगे। अब एंटर जब ब्लड करेगा रेसिपिएंट बॉडी में तो यहाँ पर आरबीसी के ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी जो है वो आपका ए भी है और एंटीबॉडी जो है आपको बी भी है। अब रिएक्शन किसमें होगा, तो फिर से जो देखने को मिलेगा वो एंटीजन और एंटीबॉडी में आपका रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर बी से एंटीबॉडी और फिर जो रिएक्ट करेगा वो आपको जो है वो एंटीजन बी से करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि देखने को जो मिले वो फिर से माइल्ड रिएक्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो होगा कि फिर से क्या चीज हो जाए, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर फिर से जो है कि आपका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो यहाँ पर फिर से क्या देखने को मिल सकता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन लीडिंग टू क्या क्या हो सकता है, तो लीडिंग टू जो जब बात करोगे तो लीडिंग टू वहां पे फिर से जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा एनीमिया, और आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा आपका जॉन्डिस, ये फिर से आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सीवियर नहीं होता है तो सिंपल यहाँ पर लिखोगे जो रिएक्शन होता है वो माइल्डर रिएक्शन होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको सीवियर कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा। और ये चीज अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो आपका माइल्ड रिएक्शन होगा, माइल्डर रिएक्शन होगा, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल जो है ये चीज याद रखोगे, एक बार इसको देखिए, अगर प्रॉब्लम है बेटा तो पूछो, 2 मिनट का टाइम लो, प्रॉपर इसको देखिए कि ऐसा जो है वो कंडीशन होता है।
हाँ वो नेगेटिव आपको जो है बेटा यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन वहां पर भी रिएक्शन होगा, रिएक्शन बहुत सीवियर नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन तो होगा, एंटीजन एंटीबॉडी डिफरेंट है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता है। इसीलिए कभी भी ध्यान रखना कि जब आप लोग बात करते हो किसी को ब्लड डोनेट के लिए, तो सेम ग्रुप का ब्लड जो है वो पहले ढूंढा जाता है। अगर सेम ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है तब आप लोग दूसरे के ऊपर जाते हो, ये चीज आप लोगों ने सुना है। अब यहाँ पर है वो नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, रिएक्शन इसीलिए बहुत ज्यादा माइल्डर है, कोई सीवियर चीजें वो नहीं क्रिएट कर रहा है रेसिपिएंट के बॉडी में, तो माइल्डर रिएक्शन है, इसीलिए आप लोग वो ब्लड दे सकते हो, लेकिन रिएक्शन तो होगा, क्योंकि ये आंसर सिंपल है, क्लियर है यहाँ से कि वो रिएक्शन तो कॉज करेगा ही करेगा, जब रिएक्शन ही होना ही होना है वहां पे। तो एक बार ये देखिए, और फिर जो है कि आपका जब मदर और फीटस में जब एक्सचेंज होता है तब क्या इश्यू आता है, तब वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पहले इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए। एक बार ये देखो, जो भी प्रॉब्लम इसमें लगता है वो आप इसमें पूछिए, नहीं तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका जो होगा कि जब आपका मदर और फीटस में जो अगर ब्लड एक्सचेंज होता है तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उस चीज का डिस्कशन फिर वहां पे है। ये आप लोग एक बार देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, अगर लगता है प्रॉब्लम है 2 मिनट का टाइम ले लो, अच्छे से यहाँ पर देखिए। अगर प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, नहीं होगा तो यस और नो करके आप लोग मैसेज में बता सकते हो, फिर आगे इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे जो देखेंगे तो इसी का सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं कि सेकेंड जो पार्ट आप लोग देखोगे तो वहां पर क्या प्रॉब्लम होता है। सेकेंड जो हमारा कंडीशन होगा बेटा वो आप लोग सिंपल यहाँ पर लिखोगे, टॉपिक डालोगे, वो होगा ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ मदर्स ब्लड विथ फीटल ब्लड। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, वो है आपका ड्यूरिंग ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ मदर्स ब्लड विथ फीटल ब्लड। ये आपका टॉपिक होगा, ये पहला जो है वो नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन है तब क्या होगा, और यहाँ पर सेकेंड जब मदर और फीटस का ब्लड एक्सचेंज होता है तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पर जो है वो दो पॉइंट बेटा याद रखिएगा, पहला जो पॉइंट याद रखिएगा कि एंटीबॉडीज जो होती है वो आप जब बात करोगे तो एंटीबॉडीज आप लोगों ने पढ़ा स्मॉल से डिनोट करते हैं ए एंड बी, तो एंटीबॉडीज ए एंड बी जो होता है ये जो होता है वो IgM टाइप का होता है एंटीबॉडीज, ठीक है। तो आई ए और बी जो एंटीबॉडीज है वो IgM टाइप का है, और इसमें जब देखोगे कि खास बात क्या है तो ये जो होता है डू नॉट क्रॉस, यहाँ पर सिंपल होगा डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, जो प्लेसेंटा में बैरियर होगा वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। तो आपका जो है कि फर्स्ट ए और बी ये दोनों एंटीबॉडीज IgM टाइप का है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा,
सेकेंड जब देखोगे तो यहां पर जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज ऑफ मदर्स विथ ब्लड ग्रुप ओ, जब ब्लड ग्रुप ओ होगा तो यहां पर जब देखेंगे तो यहां पर जो प्रेजेंट होगा वो आईजीजी टाइप का आपको एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। तो इस कंडीशन में जो देखोगे तो ये जो है वो क्रॉस करेगा प्लेसेंटा को, तो यहाँ पर जो है वो जो प्लेसेंटल बैरियर है वो एंटीबॉडीज ए बी क्रॉस नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे कि एंटीबॉडीज ऑफ मदर जब ब्लड ग्रुप बी होगा तो आईजीजी टाइप का होगा जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। ये दो पॉइंट को यहाँ पर याद रखना है। अगर यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है कि मदर जो है, कंडीशन ले लेते हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप यहाँ पर ओ है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो यहाँ पर आरबीसी पर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात करेंगे यहाँ पर जो एंटीबॉडीज होंगी वो आपको जो होगा वो आपको प्रेजेंट होगा ए बी और बी बी, दोनों प्रेजेंट होंगे, ये मदर का है। और फीटल का जो ब्लड ग्रुप लेते हैं, जो फीटल डेवलप कर रहा है वहां पर जो ब्लड ग्रुप है उसका ए है, ठीक है, ये दो कंडीशन हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चीज हो सकता है कि क्या क्रॉस करेगा और क्या क्रॉस नहीं करेगा, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर आपको देखना है कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो यहां से आप लोग दो चीजें याद रखोगे,